1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून पीसी हरी मिर्च, ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून साबित जीरा, 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी के नमक, कीमा लिया है मैंने 800 ग्राम, हल्दी 1/2 टीस्पून। अब तमाम चीज शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हे पे चढ़ाएंगे। अब इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने लिया है चिकन मिंस, आप चाहे तो बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, पानी को बिल्कुल ड्राई करेंगे, इस तरह से कर लें। कीमे के पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब इसे उतारेंगे और ठंडा करेंगे। इस तरह चॉपर में फाइन चॉप कर लें प्याज को। 800 ग्राम कीमा लिया तो 800 ग्राम ही प्याज लेंगे, ठीक है। अगर आपके प्याज में पानी है तो आप पानी निकाल दीजिएगा। स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे 1/2 कप और हरा धनिया शामिल करेंगे 1/4 बंच। अगर इस स्टेज पे आपको नमक कम लगे तो आप नमक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। हमारे पास यहाँ समोसे लिप्स है और इसको निकालेंगे। सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए मैंने, अब इसे चले फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। सब समोसे बना लें और बनाकर ज़िपलॉक बैग में इस तरह से आप रख लें, पूरे महीने इस्तेमाल करें। पकाने से 10-15 मिनट पहले निकाल लें, डिफ्रॉस्ट कर लें, उसके बाद आप फ्राई कर लें। समोसों को फ्राई करेंगे और समोसों को मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो। चलिए देखें हो गए तैयार, अब इसे निकालते हैं। बेकरी स्टाइल समोसे तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में देखें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर आते हैं। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।